दुनिया में रखा। इसी तरह खुदा आज की पूरी इबादत को तेरे सामने रखा हूं, गाने बजाने वाले गलों को, हाथों को खुदा तेरे सामने रखता हूं। जब ये गाएं तो खुदा तेरा आसमान खुल जाए, तेरा पाक फजल यहां मौजूद हो, खुदावंद तेरा पाक रूह हमें गाइड करे कि सीधा और सही रास्ता कौन सा है। तेरा पाक रूह हमेशा हमारे साथ है ताकि खुदावंद हमसे कोई गलती ना हो। मसीह खुदावंद तेरा पाक कलाम हम सबकी जिंदगियों पर असर रहे और हम उस पर अमल करने वाले हों। मसीह खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भाई हमारे साथ हैं, जो वर्षिप के लिए आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज भाई ऊपर आ जाए। जरूरी ये होता है कि हम खुदावंद से ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। जरूरी ये नहीं होता कि हम सिर्फ कलाम सुने, क्योंकि सुनने के लिए पूरी दुनिया पई है। कभी उधरों सुन लो, कभी उधरों सुन लो, लेकिन सुनी ना जाओ, उत्ते अमल भी करो। क्योंकि जब आप लोग अमल करोगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, और जब खुदावंद आपको बरकत देगा तो आपकी जिंदगी में बड़े काम हो, और जिसकी जिंदगी में बड़े काम हो उसकी शुक्रगुजारियां भी बड़ी होती है। अभी कुछ देर पहले भाई फरियाद की मिसिस हमसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम एक चर्च गए तो वहां पर सेंट एंथनी की कैथलिक की प्रेयर पे जाते थे और लोग वहां पर गवाहियां देते थे, मिठाइयां बांटते थे कि मेरा ये काम हुआ और मेरा ये काम हुआ। आज प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान ईमान रखता है वो तो बरकत पाता है, कहीं देखो वो खाई जा रहे होते, लेकिन आप चाहे किसी को देख कर ही चले जाओ, लेकिन ये सोच के जाओ कि मुझे आज यहां से बरकत को रिसीव करना है। जिस दिन आप बरकत को रिसीव कर लोगे उस दिन आप बरकत चाहोगे। हमारे साथ आज भाई फरियाद और उनकी टीम है, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आज प्रस्तिश में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपनी प्रस्तिश का आगाज करें और भाई फरियाद के साथ मिलकर, भाई के साथ और उनके मिसिस के साथ मिलकर हम खुदा उनकी प्रस्तिश करें।
नबूतों के बारे में बात होती है। आप ये चीज जान रखो कि इंसान को वो सब मिलेगा जब वो खुदा के साथ जुड़ जाएगा। जब आप लोग उसकी बादशाही ढूंढ लोगे तो ये चीज जान रखो कि वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। सब कुछ के अंदर ऑप्शन नहीं है कि तेरे सफेद कलर नहीं मिलेगा तो पीला मिल जाएगा, नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। इससे पहले कि हम अपनी इबादत को और आगे लेके जाएं, हम गुजारिश करेंगे भाई कासम के साथ कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया कुदूस कुदूस बारे बारे की खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक आने वाला है। इस बात के शुक्र गुजार है कि तू रोज में दिन अता करता है कि हम तेरे कदमों में आ सके और तेरे नाम को बढ़िया सके।
और बाप आज जितने लोग आने का इतना इरादा रखते हैं बाप तुमको प्यार के लाठी से गिर कर ला कि वो तेरे कदमों में आए और तेरे नाम को बढ़ियाए और तेरे नाम की मदद सराई करे और तेरे नाम को ऊंचा करे और तेरे नाम की जय जयकार करे। ऐ बाप तू यीशु के नाम से बाप जब के भाई फरियाद की पूरी गवाही यहाँ पर मौजूद है तो बाप यीशु के नाम से सबसे बाप तेरे लिए बरकत की बाप दुआ करते हैं कि बाप इनको और बाप रस कर और बाप इसी तरह बाप जगह पर जगह जाकर ऐ बाप तेरे नाम को बढ़ियाए और तेरे नाम की मदद सराई करते रहे और बाप जितनी देर बाप तेरे बंदे बाप तेरी बेटी बाप प्रस्तुत करते रहे ऐ बाप इस जगह पर तेरा अमर ठहरा रहे और बाप यीशु के नाम से आज प्रस्तुत के वसीला से ऐ बाप जितने बंधन जुए हैं यीशु के नाम से टूटे और सारा इज्जत होने तेरे नाम को मिले आज यीशु के नाम से यहाँ से कोई पिछला न लौट के जाए बल्कि बाप तेरे रूह कुदस की जोर से तेरे रूह कुदस को आगमन से भर भर जाए और बाप सारा इज्जत होना रहे तेरे नाम को मिले। और जब के बाप तेरा बंदा जब हमें बाप तेरे मीठी बातें राम की सुनाए तो बाप यीशु के नाम से बाप हमारी जिंदगियाँ यीशु के नाम से तब्दील होती जाए और बाप सारा इज्जत होना रहे तेरे नाम को मिले बाप तेरे मीठे और भर भर नाम से आमीन। Praise. Hallelujah.
अपनी शिवा है तेरी बिनी
लेकिन आज हम हर चीज खुदा के साथ जोड़ देते हैं। हमें कई बार मैं बाइबल की एक छोटी सी कहानी है, एक बंदा आता है तो कोल आता है तो अन्ना होता है तो फटाफट शागिर्द कहते हैं कि क्योंकि शागिर्द भी एंजल ही सन, जिहड़ी अज दी दुनिया है ना वह भी एंजल ही सन, वह भी खुदावंद यीशु मसीह नूं परखण च ते आजमाण च कसर नहीं छड्डदे सन। फौरी कहते हैं यह जो अन्ना है इहदे बाप दादा की सजा है या फिर क्यों अन्ना है? और खुदा यीशु मसीह उसी वक्त उनसे कहते हैं कि इनसे खुदा का जलाल, इस बंदे से खुदा का जलाल जाहिर होना था इसलिए ये अंधा पैदा हुआ। आज या गुजरे हुए वक्त में आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग गलत काम करके भी जाते हैं, थाने फड़े जाते हैं, चोरी करते फड़े जाते हैं, रब की मर्जी से, रब ने कैसे तुम चोरी कर। आज कई बार इंसान गुनाह करता है और खुदा पर डालता है, ये आप नहीं कर सकते। खुदा गुनाह की तालीम नहीं देता,
बल्कि बाइबल तो साफ अल्फाज में क्या कही है कि खुदा गुनाह को देख ही नहीं सकता। दोनों लफ्जों में ले लें, इस तरह के खुदा गुनाह को नहीं देखता, या इस अल्फाज में ले लें कि खुदा बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इसका बेटा बेटी गुनाह करे और वो देख ही नहीं सकता, वो गुस्से में आ जाता है। आज इंसान बहुत से गुनाहों में फंसा है और वो अपने गुनाह को समझता है कि ये खुदा की तरफ से। आज गैर जुबानें बोली जाती हैं, तरह तरह की जुबानें बोली जाती हैं, हर गिरजे में हर बंदा अलग जुबान बोलता है। वो उसको समझता है कि मैं बड़ा काबिल हूं कि मैं गैर जुबान बोलूं तो खुदा ने मुझे छू लिया। तो जान रखो कि कई बार आपसे इब्लीस भी ये जुबानें बुलवाता है। आज इंसान सोचता है कि बड़ी गैर जुबान बोल रहा मैं बड़ा काबिल हूं, लेकिन अगर ज्यादा गैर जुबान के बारे में सीखना हो तो करंथियों उसका 14 और 15 बाब पढ़िएगा। आज मैं भी आपके साथ गैर जुबान पर ही बात करूं ताकि आपको समझ जाए कि आप कर क्या रहे हैं। और जब इंसान समझ जाता है तो समझदार वो है कि वो खुदा से ये दुआ करे कि जड़ी ज्यादा कामयाब है, खाली तुसी गैर जुबान बोल दो वो कि ओदे ना बरकत नहीं है। गैर जुबान तो तुहाडी तुहाडे खुदा दा मामला हो गया, लेकिन तुसी कलीसिया लई की कीता, किसे लई की कीता, वो बाइबल मुकद्दस है, पौलुस दी पौलुस और करंथियों दे नाल जो खत लिखेगा तो तुहानू दसेगा। इस तो पहले कि असी अगे चलिए, मैं रिक्वेस्ट करना मैं भैन दे नाल कि दुआ साडी रहनुमाई करे। हालेलुया कदूस कदूस मेहरबान सदा जलाले बाप, हम दिल की गहराई तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं कि तूने हसीन वक्त बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंदा हम सब मिलकर तेरे नाम की हम तो सना करें। खुदावंदा खुदावंदा मैं खास तौर पे इस वक्त के लिए शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंदा हम सब मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंदा खुदावंदा मैं यहाँ पे जितनी जाने आई हैं खुदावंदा उनको नाम बनाम छूना बरकत देना। खुदावंदा जितनी जाने आने को है अपने पाक लाठी से उन्हें घेर लाना खुदावंदा, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद और सिफारिश करते रहे। खुदावंदा खुदावंदा मैं खास तौर पे आज के कलाम के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंदा अपने हाथों को सर से लेकर पांव के तलवे तक नशा फैला। खुदावंदा खुदावंदा वो नहीं बल्कि आप उसमें होकर बोले। खुदावंदा उनके कलाम से दुनिया जिंदगियां सेव हों। खुदावंदा 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदावंदा हमारा आना इनके लिए मुबारक ठहरे। खुदावंदा खुदावंदा एक मेरी छोटी सी दुआ सुनो कबूल फरमा, मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए सभी अपने सर को झुकाएं और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए शरी कलाम के लिए मुकद्दस पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और मांग लें खुदावंद से आज के जिंदा कलाम। ऐ खुदावंद ये कलाम मेरे खजाना के लिए मेरी जिंदगी के लिए खुदावंद इससे मेरी जिंदगी के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो खत्म हो जाए। आज के कलाम से मेरी जिंदगी के अंदर ताजगी आ जाए। आज के कलाम से मेरी जिंदगी के अंदर रोशनी आ जाए। हालेलुया हालेलुया अपनी जुबानों को खोलें और मिलकर हम और सुनें। हालेलुया बस जाता है खया।
हम सब तशरीफ रखेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बाइबल लेके अनिल भाई जरा सामने आ जाए मेरे पास। कितने कितने हांडी वाले पकानी जा पकानी है, फिर लंबा ही टाइम है क्योंकि अज जी गल असी करा ना मैं नहीं करा बाइबल चीज वाजिया करेगी सीधे 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 लफ्ज़ां च। लेकिन इंसान अज सिर्फ अपनी तरक्की कर रहे हैं। पहला ग्रंथियों उसका 14 बाब की गल है और जब बाइबल मुकद्दस जब हमसे बात करती है या हमसे गुफ्तगू करती है या हम पर कोई चीजें जाहिर करती है तो हमारा फर्ज बनता है। पहला ग्रंथियों उसकी 14 उसका 14 बाब और गौर से देखिएगा कि आज गैर जबाना बोलने वाले कर की रहे हैं। पहला ग्रंथियों उसका 14 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक और ये आज कुछ चीजें आपके साथ क्लियर होंगी। पौलुस रसूल उन लोगों से बात करता है जो सोचते हैं कि मैं गैर जुबान च गल करता वा तो बड़ा बड़ा मैं जाहिर होवांगा या मैं स्टेज पे खलो के दुआ करांगा ते नाल नाल अपनी गैर जुबान वाली बोली बोलांगा ते मैं लोकां च जाहिर होवांगा। पौलुस कहता है ऐसे लोग अपनी तरक्की करना चाहते हैं लेकिन कलीसियाई तरक्की
कलाम की तरक्की और नबूवत की तरक्की वो नहीं करते, वो अपनी तरक्की करना चाहते हैं, इसलिए वो कहीं भी खड़े होकर और वो ऐसी आवाजें निकालते हैं जिससे वो जाहिर हो कि वो रूहानी जुबान बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों उसकी उसका 14 बाब और पहली आयत से लेकर 4 आयत तक, सबसे पहले यहां तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आर्ज़ु रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से बेद की बातें कहता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। थोड़ा जा कलाम ना सख्त लगता है कि क्यों गैर जुबान बोलने वाले के खिलाफ आज भाई साहब गल कर रहे हैं, पादरी साहब गल नहीं कर रहे। बाइबल कहती है कि जिहड़े गैर जुबान च गल करदे ने ठीक है, तुसी खुदा दे रास्ते च हो, लेकिन खुदा दे नाल राबता तुहाडा बहुत अच्छा है, लेकिन तुसी कलीसियावां च खलो के जुबान कट बोलो बल्कि नबूवत दीआं गल्लां करो कि तसल्ली और कलाम दे जरिए उहनां दे विच तरक्की पैदा होवे। ਕਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਚ, ਵਾਹ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਚਰਚ ਚ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਲੱਗ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂ। कभी भी गौर करके देखे, जब कलीसिया की प्रेयर के लिए किसी को खड़ा किया जाए या कलीसिया के तौर पर सबको कहा जाए सब दुआ करें, सभी गैर जुबान बोलने लग जाते, पता ही नहीं की कह रहे हैं, इन्हू ऐसी नहीं पता, इन्हू ऐसा नहीं पता, वो करते कि पे किसी को पता ही नहीं। क्या खुदा आपको ऐसी चीजों की तालीम देता है कि जिसकी किसी को समझ ही ना आए, वो सीधे लफ्जों में कहता है हाँ का जवाब हाँ में दे और ना का जवाब ना दे। वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम पर भेद की बातें जाहिर हो गई, आज इंसान के ऊपर भेद की गल्ला जाहिर हो गई, इंसान अपनी अपनी की क्या जाए ना जिंदगी पॉलिश करने चला गया, लेकिन खुदा दे काम चीज नहीं लगता। यहाँ पालूस सीधे लफ्जों में कहता है मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत। नबूवत आपके लिए बेस्ट है। मैं अगर अनिल से कहूंगा, बड़ी देर अनिल को मैंने अनिल को मैं बात ये कहता हूँ, अनिल इस साल में तुमने बड़ी बड़ी की कर दी है, अनिल का माइंड सेटअप हो जाए, ये बात याद रखो, अनिल का माइंड सेटअप होगा कि मुझे तरक्की करने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे खुदा का खादिम ने कहा कि तू ऐसा तरक्की करेगा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि अनिल तेरा ये साल सबसे बेकार है,
अनिल मेहनत ही नहीं करेगा, उन्होंने कहा पहली फिर तो आने दस देता हूं मैं खपदार हूं ठीक है चाचा पैदा वा आ जा। और अगर मैं इसको ये कहूं दुआ में कि जिसकी मुझे भी समझ नहीं आती, आज किसी से पूछ के देख लो यहां पर अगर आज ग्रंथियों की किताब ग्रंथियों की 14 बाब आप देखते हो वहां पर वो साधु भगवान ने कहता है अगर तू तर्जमा नहीं कर सकता तो बोलने का कोई फायदा नहीं। ऐनी हालाला ना पाओ सब दे लिए, अगर किसी भैन को बुरा लगता भरा को बुरा लगता मैनू दी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपनी तरक्की ना करो रूहानी तौर पर तरक्की करो जो लोगों के लिए हो। खुदा यीशु मसीह जब भी कोई काम करते थे वो कलीसिया की तरक्की के लिए करते थे, वो ये कर सकते थे क्यों ये कहते क्यों कहता 5000 रोटी खवानी वाले अंदर टेंशन ना है आ देखियो ने पेट पार जा 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 इना सब दे मुंह 5000 दे विच दुनिया जान दे 5000 टेस्ट हो होने से ईमान दा दियो कि हो सकता है पर उने क्यों टोकरी चुक ली उस जाहिरी तौर ते हर काम क्यों करदा सी, क्योंकि उस सानू साबित करना चाहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे ओ काम कदर ना कर जेड़ा जुबानी तुसी ऐनी शो मारन दी करो। आज कई बार किसी के पास भी आता हूं कहता मेरी मदद कर दो, कहता मैं तेरे लिए दुआ करा, कोई फायदा नहीं है कहने का क्योंकि नंगे को कपड़े और भूखे को रोटी नहीं मिलेगी। ये बाइबल कहती है कि तुम्हारा ये कहना भी बेफायदा है। सिद्धिया गल्ला ने कई खादमी के अंदर बाइबल की जो बातें कही छुपी हुई है या जिनको बाइबल ने छुपाया हुआ है उसको हम भी छुपी नहीं, नहीं बाइबल में कोई बात भी छुपी या ढकी हुई नहीं है, सिर्फ उसको नुक्ता नुक्ता करके पढ़ना पड़ता है। अगर आप सबको मेरी बात को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जीभ लगती होगी तो मैं ये कह रहा हूं कि गैर जुबान बेफायदा ताड़ा बोलना ते एक जगह पे आदमी लिखा है कि लिखा कि खुदा ना गल्ला करता है लेकिन वो कहता है तेरा खुदा ना गल्ला करना तो तेरे लिए फायदेमंद हो सकता पर कलीसिया लिए की ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। वो ये बात करता है, वो ये नहीं कहता कि गैर जुबान ना बोल बल्कि वो कहता है कि तू वो जुबान बोल जिसकी उसको समझ लगे, तू उसके लिए वो अल्फाज बोल जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। अगर हम इसी तरह 5 से लेकर 6 आयत तक पढ़े मैं थोड़ा सा गौर मैं रिक्वेस्ट करूंगा नहीं भाई थोड़ा सा स्लो पढ़िएगा 6 आयत 5 से 6। अगर जे मैं चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। गौर किया हमने बात को क्या सीधे लफ्जों में कि अगर तर्जमा ही नहीं आता ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਬੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ बस ऐ भाइयों अगर मैं तुम्हारे पास आ गए बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबुवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा। फायदा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। मुझे आज एक हमारे क्वायर के एक लड़के की बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे मुझे कहा तो भाई साहब तू ही गैर जुबान नहीं बोल दे समीर हस्पताल उसके सामने ये बात हुई थी। मैं क्या यार मेनू ना माजरत के मेनू ना सब सब नहीं है कि हर गैर जुबान बोलने वाला जेड़ा ये बरकत हासिल कर ले फिर धन्यवाद लेना
रूल कुदस दे बपतिस्मे दी लोड़ है तुहानू हाले खुदा ने फिर टच नहीं कीता मैं उहनां दी गल दा उस तों अगे जवाब नहीं दिता क्यों नहीं दिया क्योंकि इंसान आज ये सोचता है कि मेरा गैर जबाना बोलने वाला सब तो के मैं तो खलो के गैर जबान बोलूंगा तो मेरी पुलिसिया ने भी कहना है वाह 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 गैर जबान बोल रहा है यार पादरी तो गैर जबान उतर रही वाह पास्टर फकर बड़ा रूहानी हो गया गैर जबाना बोल रहे हैं तो जब मैं नहीं बोलूंगा तो भी मैं रूहानी नहीं आपका गैर जबान बोलना बेफायदा है जब तक कि आप कलीसिया को कलाम की तालीम ना दें कलाम की इल्म हासिल ना करें और नबूवत ना करें पहले तो नबूवत की है कोई दस सकता है नबूवत क्या है अगर किसी की जिंदगी के बारे में बताना है कि आपके साथ ये होगा आने वाले दिनों उसका मुस्तकबिल बताना ये नबूवत है मैंने जैसा कि कहा कि मैं नील को सिर्फ ये कह दूं कि तुमने तरक्की कर लिया तो नील उस पर मेहनत करेगा और अगर मैं ये कह दूं कि नील तू फेल हो गया तो नील कहना गलत हो गई हूं मैं मेहनत करता था तो इसलिए नबूवत ज्यादा अहमियत रखती है आज इंसान बहुत ज्यादा अपनी तालीम में है उसकी अपनी लॉजिक है यार जो मैं कह रहा हूं सही है बाकी के सारे फारिग हैं आज कोई भी चर्च चले जाओ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं लेकिन मैं यह जान लिया कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो यही गल कर रहे हैं कि गैर जबान वालों बेहतर है कि तुम नबूवत करो क्योंकि ताड़ी गैर जबान से ताड़ी तरक्की कर रहा है अपनी तरक्की को अहमियत ना दो कितने इस स्टोरी को जानते हैं कि औरत ने बाहर की कुछ चीजें दी थी आम जबान की ये तो नीचे बदबू आ सा सा और उस फालूस को देखकर बोलना शुरू कर दिया कि ये खुदा का बंदा है ये खुदा का बंदा है कितने लोग इस स्टोरी को जानते हैं और जब फालूस उसके पास है तो फालूस ने उन्होंने जो बदबू काट दी थी उन्होंने की लोड सी काट 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 लॉजिक सोचे वो झूठ को नहीं बोल रही थी वो बदरुओं वाली औरत झूठ को नहीं बोल रही थी वो खुदा का बंदा था आज हम अगर बाइबल में पालूस की किताबों को पढ़ते हैं या उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं इट्स मीन टू दैट कि पालूस भी एक पाक शख्स है उसकी बातें इंसान की जिंदगी के लिए खुदा की तरफ से थी आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ रहे इसीलिए आज उस औरत में से खुदा ने क्यों उस पालूस ने उस औरत में से उस बदरूहों को क्यों निकाला कोई बता सकता है क्योंकि पालूस को ये नजर आ रहा था कि ये जो चीज है ना लोगों में मेरी तरक्की कर रही है खुदा का बंदा है? अगर तुम बाइबल पढ़ो तो एक जगह पे लिखे कि पालूस ने शॉल चदरा ते ओदा कपड़ा भी निकल लग पिया शफाव हवा मार पिया खुदा ओते ओना ने ओदे विचो बदरू नु क्यों कढ़या कभी सोचा किसी ने क्या मौजजा दिखाना था नहीं क्योंकि पालूस जान चुका था कि ये जो इसके अंदर बदरू बात करती है ये खुदा की तरक्की नहीं होने दे रही ये मुझे पंप कर रही है ये मुझे कोशिश कर रही है कि वो चापलूसी करने की कि मैं पालूस मेरी तो तरक्की हो रही है वही मेरे वालों दस हड्डी बदरू आज किसी ये जी चर्च के अंदर पादरी गुजरे तो बाकी चीजा रोला पा देना ओ खुदा का खादम आ गया तो लोग बड़ी गल है मगर खुदा का खादम सब तो पहले उन्होंने चुप नहीं कराएगा क्योंकि वो अपनी तरक्की चाहते हैं पालूस ने उस बदरू नु इस गलो कढ़िया उस औरत नु इस गलो उस बदरू को साफ और शफाफ किया क्योंकि वो खुदा की तरक्की नहीं कर रही थी वो पालूस की तरक्की करने लग गई उन्हें कह दा लोगों ने कल खुदा नु छोड़ के मेनू मरन लग पड़ा कि मैं ते निकम्मा और बेकार खुदा दे बंदे ने सब तो पहले वाले चो बदरू कढ़ी कि मेरी तरक्की की लोड़ नहीं है तरक्की खुदा दी पालूस को दी सजा भी मिली जिन्ना दे जिन्ना मालका ने उस औरत ने उन्हें को रखा ही ना पालूस को जेल च पा दिया आज असी दी गैर जबाना बोल रहे हैं कि मेरी तरक्की हो जे मैं चर्च जाऊंगा सब दे विच कलीसिया च क्लियर दिसा ना कदर ना सोचो
क्योंकि जब आप नबूवत करते हो, किसी की जिंदगी बदलते हो, जब आप कलाम की बात उस तक पहुंचाते हो तो उसकी जिंदगी बदलती है। आपकी गैर जबान से जिंदगी नहीं बदलती, जिन्ना मर्जी तुसी जोर ला। अगर नहीं समझ आई तो असि थोड़ा जहा पढ़ांगे। अनिल भाई सात से लेकर दस आए तक प्लीज जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चुनाचे बेजान चीजों में भी जिद से आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबर, अगर उनकी आवाजों में फर्क ना हो तो जो ठुमका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए, और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाजिया बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवास से बातें करने वाले ठहरोगे, दुनिया में खा कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों उनमें से कोई भी बेमायने ना होगी। समझ आई? सिद्धे लफ्जा चंपालो उसने कह दिया है कि जनाब ये जो लफ्ज लिखा है ना तुरही, ये क्या है जानते हो? बताया जब जंग शुरू हो जाती है तो को वड्डी हरी पीपड़ी है जी, ओ तो कहते थे ओ साइज में हूटर सी ओ दौर च कि ओदी आवाज दे नाल फौजी समझ जाते सन कि जंग दा वक्त आ गया है। आज बहुत से ऐसे इलाके जो बॉर्डर के पास होते हैं वहां पर ऊपर हुटर लगा होता है, जब कोई एक दो फायर आपके सामने आता है सबसे पहले हुटर को प्ले किया जाता है कि पास की जो आबादी है वो अपने आप को कवर करे, जल्दी से संभाले, कहीं ये ना हो कि बमबारी से लोग मर जाए। अगर हुटर ही ना बचे तो लोग मरन नहीं। अगर जंग तो पहले हुटर ना बजे तो पता लगेगा कि जंग हो रही है, नहीं क्योंकि हुटर ही तो सर निशानी दे रहे हैं। वो कहता तू गैर जबाना बोले तो तेरी अगले को समझ ही ना आवे ते जंग करने लिए कहीं भूल जाएगा। मैं गैर जबान बोला और भाई फाकर ने पूछे खुदा कौन है तो मैं जो गल ही गैर जबान च की उन्होंने पता ही नहीं खुदा कौन है जिससे कासम पर ना तो नबूवत हो ना इल्म हो ना तालीम हो कोई फायदा नहीं, बल्कि यहां पर तो वो साफ आवाज आ गया दुनिया च बड़िया जबान जड़ी बेमानी, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरे लिए वो बेमानी, मुझे पश्तो नहीं आती मेरे लिए वो बेमानी। हमारे एक मेरे बड़े अजीज जानने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अक्सर वो जब मैं कभी उनको देखता हूँ उनकी कभी लाइव प्रेयर मीटिंग देखती हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। वो पूरी की पूरी मीटिंग ही गैर जुबान में कर देते हैं यार, क्या कर देते हो? चीखना चिल्लाना खुदा नूं नहीं पसंद। किसे ने भी बाइबल मुकद्दस से पढ़े कि खुदा ने यीशु मसीह ने चीख चीख के कलाम दिता है, कितने भी पढ़े हैं गुस्सा से पढ़े हैं खुदा ने यीशु मसीह का गुस्सा से पढ़े हैं जिन्होंने ना कोड़ा चुप ले लिया, लेकिन उन्होंने गुस्से से भी ठीक है कि मेरे बाप के घर को क्या बना दिया, मतलब कि आज अगर हम लोग इस तरह की जुबानें बोलकर और अपने आप को चमकाना चाहते हैं तो हम खुदा के घर को डाकू की खोप ना बैठे। मेरा यहाँ पर बोलते जाना हो अल्लाह हसीन सर खड़ा भाई वो की करण ले आया ना तेनू पता ना तेनू पता मनुड़ी टेंशन पूरी दुनिया जैसे ऐसे हम लोग साथ में हैं फिर मेनू किसे ने कोई दाल रोटी चीनी नहीं देनी, मेनू देने वाला मेरा खुदा है।
मैं आपके साथ वो जुबानें बोलूं जिसका मतलब ही ना हो तो आप कैसे बाप आकर ठहर रहे हैं। कलाम कहते हैं नबूवत करके उसकी जिंदगी बदल, कलाम कहते हैं उसको तालीम दे के वो जान सके कि बाइबल क्या है, कलाम कहता है कि तू उनको तालीम देता है तो उनकी जिंदगी बढ़ेगी। बल्कि साहब में कहते हैं कि जो बांसुरी यहाँ वर्षा खड़े हुए करने वाले ये सब म्यूजिक के बारे में जानते हैं, बांसुरी की बात की, वॉयलिन की वॉइस की, कीबोर्ड की, हारमोनियम की, सोनिकोटा कमाल का कीबोर्ड बजे है। जैसे दो चीजें बजा लें, एक तरफ ढोलक एक तरफ तबला, वो दोनों को बजा लें, तबला केड़ा ढोलक केड़ी है, सरंगी केड़ी है, ढोलक केड़ी है, क्योंकि उनको पता है जिस इंसान को आप जबरदस्ती सिखा रहे हो कि वो ऐसा कर और ऐसा कर। मैं क्लीसिया के पास गया मूवी मेकर की फोटोग्राफर भी, तो मैं जब जब फोटोग्राफी करता था मूवी मेकिंग करता था मैं क्लीसिया में गया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं किसी डिनोमिनेशन को काउंट नहीं करूंगा। तो जब मैं वहां गया तो वहां पर निकाह के टाइम पर सारी कलीसिया ही गैर समान बोलने लग गई। मैं बड़ा ही टेंशन च हाल था, मैं क्या निकाह कितने करना है, सारे तो गैर समान बोल रहे हैं। जैसे निकाह हुआ उसके बाद फिर दोबारा दुआ हुई, फिर गैर समान शुरू हो गई, फिर गैर समान। मैंने एक भाई से पूछा, मैं क्या यार इतनी गैर समान ही यार ताड़े दे आई, ताड़ा तो निकाह या बच्चा भी गैर समान बोलता है, कहता सी सारे लूना भरे। तो मैं क्या कलाम ना ते को कहना भाई तुम भी हम बहस कर दी, क्योंकि तब मुझे अकल ही नहीं थी, मैं जीरो था कलाम के बारे में। तो मुझसे खुदा ने वो इल्फाज बुलवा लिए जिन्हें मेरी सोच भी नहीं थी। मैंने कहा ना गैर जबान हर बच्चा बोलता है जी सारे रूह ना भरे पे, तो मैं क्या भाई बाकी तालीम ना ते को कहना भाई तो ही तो बेस्ट बैठे। यही प्रॉब्लम है कि हम आज रूहानी तौर पर नहीं भरे हुए हम पर। मैंने अभी तक कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, जो लिखा है उसी को बयान कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्टेट गल्ला कर रहा हूं। पंजाबी च इसलिए लगता है कि पादरी साहब ने गल इधर इधर मिसाल बोल दी, बाइबल यही कह रही है कि आप अगर चर्च में खड़े होकर गैर जुबानें बोलते हो तो आप अपनी तरक्की कर रहे हो, खुदा के काम की तरक्की नहीं कर रहे। कोई जरूरत नहीं है इस तरह बोलने की कि जिधर किसी की जिंदगी में बदलाव ना आए, या आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम ना ठहरे, या आपकी जिंदगी में नबूवत ना की जाए, तब तक आपका गैर जबान बोलना भी बेकार है, बेफायदा है। मैंने नहीं कहा, करंथियों 14 बाब से लिखा है, तसल्ली ना कोई पढ़ सकता है कि सन समझ ना आए, 14-15 पूरा पढ़ लेना तन समझ आएगी कि आज जो सी कर रहे हैं। मैं साफ कहा जड़े गैर जबान बोल रहे हो कोई जरूरत नहीं है बोलने की, अगर गैर जबान बोलना तुम्हारी तरक्की हो रही है तुम्हारी तरक्की की जरूरत नहीं, खुदा की तरक्की करो तुम्हारी जिंदगी बड़ी बड़ी, क्योंकि गैर जबान बरकत जरूर हो सकती है लेकिन नबूवत सबसे बड़ी खुदा की रहमत और नेमत है, क्योंकि वो आने वाले वक्त के लिए आपको बरकत देगा। खुदावंद यीशु मसीह दिलों गुर्दों के भेद को जानने वाला था, वो जमीन पर ही कह देता था, कहता तू आज दे मछलियां फड़न वाला कल बंदे फड़न वाला आएगा, पंजाबी चेंजी का आ गया ना, क्या आज तू माहीगीर है तू आदमगीर बनेगा, नबूवत। आज इंसान के पास ये जरूरत नहीं है ना, इंसान इंसान अपनी तरक्की कर रहा है, तक 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 जो लग रहा है, क्यों जी आज इंसान अपनी तरक्की से पैगा के बोल नहीं गया है कि मैं खुदा के काम कदों करना है, खुदा के काम करने की जिंदगी देती है साथ देते रहे। मेरा भरा मर गया, मेरी मां मर गई, मेरा प्यो मर गया, दुनिया चल रहा ठीक है, या एक मेरी भैन या मेरी बीवी, ऐसी तीन जने तो अलावा मेरी जिंदगी और कोई क्लोज रिश्ता नहीं। खुदा ने मेनू क्यों जिंदा रखा, खुदा ने मेनू इसलिए जिंदा रखा कि मैं काम कर, इसलिए जिंदा नहीं रखा कि जानी साहब उठनगे या पादरी रफाका साहब मेरा फैमिली ने जानी है कि भाई साहब उठनगे वो दुकान पाणगे दुकान पे जाणगे घर आ जाएंगे या फिर क्रिसमस तो बाद कंबल लेंगे तो सो जाएंगे। मैं तीन दिन तो वाकई रेस्ट कर रहा, लेकिन जिंदगी दे विच सब तो खास चीज आंदी कि ताडी जिंदगी दे साह क्यों दिते, सांस खुदा ने आपको इसलिए दिया कि आप तालीम दो लोगों को और इल्म हासिल करो,
जब आप तालीम देते हो या किसी से इल्म हासिल करते हो, खुदावंद आप पर बड़े भेद खोलता है जो कलाम के हैं। जिस पर कलाम का भेद खुल जाएगा ना, वो बंदा बिन बोले बगैर प्लान किए वो जो बोलेगा वो सच होगा। ये सच है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ एक दफा हुआ, मैं घर गया तो मेरे साथ कासम भी थी। एक बेटी आई, खुदावंद ने उसको औलाद दे दी थी। मैं और कासम वहां बैठे, मैं दुआ करने का भाई साहब, भाई मेरी मामू की फैमिली में गए तो उन्होंने कहा, बेटियों ने कहा कि भाई जरा दुआ करना। मैंने दुआ करनी शुरू कर दी और मैं उस बेटी को मिला ही पहली बार, जो जिसको खुदा औलाद देना। मैं दुआ करते करते मैंने कहा, खुदा बाप इसके पेट में जो बेटा है उसको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं दुआ करता जाता, जैसी दुआ खत्म हुई थी दम से मेरी दोनों बहनों ने कहा, तुम तो सेहत का घर बेटा होना है। मैं पुत्र खुदा जानता मैं नहीं, रवानगी जो दुआ हुई खुदा ने जो कुछ करवाया मैं कह दिया। खुदावंद की ब्लेसिंग ऐसी कि मेरी बहनों ने बताया कि भाई जो आपने दुआ की है कुछ दिन के बाद खुदावंद इनको औलाद देने वाला है और खुदा ने इनको बेटे की ही आवाज दी। ये आप नहीं कर सकते, ये वो है जो आपकी जुबान बनता है। जब वो आपकी जुबान बन जाएगा ना, समझो तुसी तर गए। मैं यकीन जानो बड़ी बड़ी होंदा है जिंदगी च, मतलब कि गुनाह का मौका नहीं मिलता या मेनू की पैसे से लभदे नहीं नहीं चले, मगर असि डर जाते हैं। तो दुनिया भी इसी डरे रहता है, अही आपस भी लड़ पड़ता है किस गल तो कि यार ये काम तो क्या सी तू कीता क्यों नहीं। वो कहेगी कल कर लाने, मैं कहूंगा अच्छी कर लाने, या मैं कह दूंगा कल करना तो नहीं कहना तू हुण 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 तमाशे शुरू करते हैं। खुदा ने जो काम लिए तेरे पहले वो कर ला, साड़ी आपस में लड़ाई हो रही होगी तो लोग समझते हैं मां ने बड़ा पैसा दिता साढ़े को, जो पैसा जेरे काम लिए आता है सब तो पहले उत्थे ही लगाना पसंद करता है क्योंकि खुदा के कामों में झूठ नहीं। सो अपनी तरक्की करना बंद करो, तरक्की करनी चाहिए ते खुदा दी करना, क्योंकि जो खुदा दी तरक्की होएगी ना ताड़ी ऑटोमैटिक हो जाएगी। कितने लोग ने जॉब कर रहे हैं अगर अपने अदारे ईमानदारी ना काम करे ते अदारा तरक्की कर जाता, ते जो अदारा तरक्की करता ते सैलरी बढ़ जाती है, ते तुसी क्यों नहीं खुदा च तरक्की करते, ताड़ी सैलरी भी वधेगी बल्कि तुसी आप एक अदारा बन जाओ। खुदा ने मैं तनखावा लैण वाला सा पर खुदा ने अज ऐसा काबिल किया कि असं तनखाह देना ले हो गए, मगर कि खुदा ना जोड़े असी। मैनू बड़े लोगों ने जिनी मेरी कलीसिया कभी मेरी कलीसिया ने नहीं सुने होना कि मैं कभी क्या है कि खुदा के रूह ने मैं गाइड किया तो मैं काम करता था और रूह कुदस मेरे वाल लाया तो मैं, क्योंकि मैं अज भी डरना। मैं दो लफ्ज कह दूं अज तक खुदा के खादमी ने इजीली कह दिए, खुदा के रूह ने मुझे कहा है कि ये बहन ऐसा कर क्योंकि उस बहन तो काम हुआ। ये जो बहन है ये भाई है, खुदा के रूह ने कहा कि ये चर्च का पेंट करवाएंगे और खुदा इनको बरकत देगा क्योंकि खुदा ने कम लेना, खुदा ने ज्यादा नहीं यूज करी जा रहा। गलत है, बेमानी बरकत तो जा रही थी, अपनी बरकत को रिसीव करने लिए सच के अल्फाज इस्तेमाल करो क्योंकि कलाम कहता है कि ताड़ी गैर जवाना की कोई अहमियत नहीं। अगर तुसी किसी को तालीम नहीं दे सकते या किसी को इल्म हासिल नहीं कर सकते, खुदा का जिंदा पाक कलाम ताड़े सारे लिए बाएं से बरकत हो और आज का कलाम तुसी समझ सको कि तुसी खुदा की तरक्की करनी है, खुदा के कामों की तरक्की करनी है, कलीसियाई तरक्की करनी है, अपनी तरक्की नहीं करनी, अपनी ताड़ी होंदी रही ना। अगर मैं जेड़े काम लिए खुदा को मंगे खुदा ने मुहैया किया और काम भी किया, खुदा ने मेरी भी तरक्की की और अच्छा असी एडे वे गिरजाघर चल बैठे, असी हारमोनियम के प्रस्तुति करने से खुदा ने की बोल दिया। साढ़े को मैं घर च स्पीकर बनाए से आम स्पीकर बना के असी घर के अंदर इबादत करते, खुदा ने सा साउंड सिस्टम देखा मेरे अपने कमरे छाले सेकंड हैंड स्क्रीन लगे मेरे ख्याल 3-4 साल तो लगा है वो ही लगे 4-5 साल ठीक है, लेकिन खुदा ने अपने घर लिए मैं हर चीज मुहैया की। मैं सब तो पहले इतने जिंदगी च याद रखो पहले वो काम करो जो खुदा ने वादा किया है, बाकी काम ताड़े पे कार्ड चलते ताकि खुदा का बरकत है। आमीन आमीन।
अपनी यूथ भी लेके आ जाए बचाओ करके भाई फरियाद सामने लाइए हथा इस्तेमाल करो ठंड है आप सबको सलाम मेरी तरफ से मेरा नाम फरियाद है और हम लोग ये डी ब्लॉक में रहते हैं जो बात मैं करने जा रहा हूँ किसी की दिलरानी नहीं है और ना ही किसी चीज को पॉइंट आउट करके मैं बात करने लगा मैं एज ए म्यूजिक टीचर एलजी स्कूल में जॉब करता हूँ और हमें तकरीबन खुदावंद की खिदमत को दिए हुए भी 3-4 साल हो गए हैं मैं उन बच्चों के लिए काम करता हूँ जो नीडी जिनके पास पैसे नहीं है जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है तो शुक्र है खुदावंद का कि जब से खिदमत स्टार्ट किया बहुत से बच्चों को सिखा भी रहे हैं लेकिन अभी तक उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आया सिर्फ इस वजह से नहीं लेके आया कि मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता कि हम बच्चों के लिए काम करते हैं अभी आपने देखा होगा भाई यहाँ पे जो खड़े थे ये गा रहे थे ये कसूर से आते हैं एवरी संडे ये कसूर से आते हैं मैं चर्च से उन्हें कुछ भी नहीं लेके देता मेरा ख्याल 400 या 500 रुपए उनका किराया लगता है आने जाने का क्योंकि वो कसूर से थोड़ा आगे रहते हैं किसी गांव में तो वहां से आते हैं मैं अपनी पॉकेट से उनको जो है वो कुछ ना कुछ एवरी संडे जो है देता हूँ बात करने का मकसद ये है कि जिस इदारों में हम लोग जॉब करते हैं क्रिश्चियन इदारे तो है नहीं वो तो मुस्लिम इदारे हैं सारे अब पेन इस चीज की होती है कि एज ए क्रिश्चियन होते हुए हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम दूसरों के बच्चों के लिए सिर्फ उस सैलरी के लिए जो एंड ऑफ द डे हमें मिलनी होती है उसके लिए हम बच्चों को 10-10 पेज का जो थीसिस है वो उनको इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं उनको सिखा रहे होते हैं जैसे ये पियानो है हमारे बहुत से यहाँ में भाई हैं वो म्यूजिक टीचर भी हैं पियानो भी प्ले करते हैं लेकिन अगर हम पूछें व्हाट इज म्यूजिक तो पता किसी को नहीं मेरी बात का बुरा ना मानिएगा कि व्हाट इज म्यूजिक पता किसी को नहीं है पियानो कहां से आया पियानो किसने इन्वेंट किया पियानो कहां से इजाद हुआ कि कितनी टाइप्स के हैं इसका जो वर्ड है जो 5-6 लफ्जों का मजमूआ है कि पियानो उसका मतलब क्या है तो ये चीजें जो है ये हमारे सीखने वाली है लेकिन हम लोग सीखते नहीं है कहने को हम लोग हम तो बरसता रहे स्टेटस अपडेट कर देते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डैश 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 रिमेंबर मी दैट इन योर प्रेयर्स भाई हम क्यों दुआ करें आपके लिए आप बरस आ रहे हैं आप अपने आप को खुद दुआ में रखें खुदावंद मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूं मुझे इस्तेमाल करना हम लोगों को क्यों कहें कि मेरे लिए दुआ करें परस्तार वो नहीं है परस्तार हम लोग हैं तो अगर हम इसको भी देखें बाइबल के रूप से तो परस्तार भी जो है वो कितने लफ्जों का मजमूआ है समझ हमें बिल्कुल नहीं है तो 10-10 पेज का जो थीसिस है वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको याद है व्हाट इज म्यूजिक पियानो का वर्ड कहां से आया इसका इसका मौजूद कौन है इसको इन्वेंट किसने किया इसकी हिस्ट्री क्या है कब कितने साल पहले पियानो जो है वो इजाद हुआ उन बच्चों को पता है 2 क्लास की हैं 3 क्लास की हैं 4 की हैं ऑनवर्ड 7 तक जो क्लासेस हम लोग लेते हैं उनको पढ़ाया जाता है क्योंकि उसको एज ए सब्जेक्ट लिया गया है ना कि उसको सिर्फ बजाने के लिए लिया गया है उन बच्चों को नहीं पता कि बीट लगेगी तो हमने किस तरह गाना है उनको सिखाना हम लोगों ने है पेन इस चीज की होती है कि हम लोग जब अपने एरिया में बैठे हैं तो हम अपने बच्चों को देखते हैं ना उन्हें सुलता पता है हमें भी कुछ नहीं पता हम क्यों खड़े हो गए कहें जी हम बहुत बड़े खान साहब हैं पता हमें भी कुछ नहीं है लेकिन हम जितना सीखा है उतना तो सिखा सकते हैं बात सही है कि गलत है जितना सीखा है उतना तो सिखा सकते हैं लेकिन 24 को जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग ना बाइक में डिस्कस कर रहे थे कि 24 आ गई है अब हमारे लोग जो है ना कुछ लोग वहां पे पी के तो शुरू हो गए तो यूथ जो है वो इस वक्त चर्चेस से बाहर है जितने बुजुर्ग हैं जितने फीमेल्स हैं जितनी माए हैं वो चर्चेस के अंदर है तो यूथ चर्च से बाहर है तो बेदारी कहाँ है बेदारी तो सड़कों पर मिल रही है पता ही नहीं है किसी को क्योंकि हम लोग उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे उस यूथ के लिए कुछ नहीं कर रहे जिनके लिए हमें करना चाहिए अब संडे को भी देखें तो फीमेल्स की तादाद बहुत ज्यादा होता है मर्द हजरात का पता ही कुछ नहीं होता दुआ के लिए किसी को कहते कोई नहीं देगा एक दूसरे की तरफ देखने से तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है आप लोगों तक भी जा रही है आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके घर में आपके मोहल्ले में आपके एरिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं
तो आप आश्रम फादर साहब को बता सकते हैं, मेरा इनके साथ कॉन्टैक्ट है। हम अपने खर्चे पे जाएंगे, हम किसी से कोई फीस नहीं लेते, लेकिन जो साहिब हैसियत है जो पे कर सकते हैं उनसे कुछ मुनासिब जो है फीस लेके उन बच्चों के लिए सर्व करते हैं कि जिनको हम सिखा रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात बात समझ आई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ ऐसे बच्चों को लेकर आएंगे। अगर वो कहेंगे कि जी आप हमारे घर पे आ गए हमें सिखाएं, क्योंकि बहुत से मेरे पास 6 बच्चे ऐसे हैं, मैं इचले जाता हूं, उसके अलावा मेरा ख्याल है मैं ग्रीन टाउन भी जाता हूं, मैं आसिफ टाउन में भी जाता हूं, हाजी मार्ग में भी जाता हूं, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको मैं घर सिखाने जाता हूं, उसमें कुछ बच्चियां भी हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते हैं जी हम आ जा नहीं सकते, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आप आ जा नहीं सकते, लेकिन बच्चे शुक्र है खुदावंद का कि जो मेरे पास बच्चे हैं उनमें से सबसे अच्छा जो बच्चा है जो सीख रहा है अपने म्यूजिक को भी टाइम दे रहा है, स्टडी को भी टाइम दे रहा है, वो मेरे पास पिछले का बच्चा है। और शुक्र है खुदावंद का कि शायद वो मेरे माइंड को समझता है या वो मुझे समझता है कि इस चीज को जब आने वाले वक्त में प्ले करना है तो किस तरह करना है, और उसको इस चीज के लिए भी अभी से मैंने प्रिपेयर किया कि बेटा आपने अपनी पॉकेट मनी जो है उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है, और आप आगे ऐसे बच्चे देखो जिनको जरूरत है तो उस पॉकेट मनी से आपने उनकी हेल्प करनी है, ताकि आने वाले वक्त में वो भी इस चीज को लेकर चले कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। बात को खत्म करते हुए आपको छोटी सी बात बताऊं, मुंद्री चौक में मैसनॉट कॉलेज के नाम से एक अदारा बनाया, शायद कितने लोगों को पता होगा। उस कॉलेज की ओपनिंग सेरेमनी थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनका 3 दिन का प्रोग्राम करवाया, 2 दिन का। जो फादर है वहां के जो इस विजन को जो खुदा ने उनको ख्वाब में दिया, उन्होंने आखिरी वर्ड जब अपनी स्पीच को खत्म करते हुए ये कहा कि हमने अपने हिस्से का दिया जो है वो जला दिया, अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को इस्लामी इदारों में मत भेजे, हमसे जहां तक हो सकेगा एफएसए लेके मास्टर्स तक या उससे भी ऊपर जितनी भी क्लासेस होंगी हम लोग उसको करेंगे। अब हम लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने बिल्डिंग स्टार्ट की हुई है, एक साइड पे उन्होंने नई बिल्डिंग बना रहे हैं ताकि जाहिर उनके पास स्ट्रेस कम हो गई होगी, बच्चे ज्यादा हो गए हैं, क्लासेस कम हो गई उनके पास, तो शुक्र है खुदावंद का कि एक इदारा ऐसा बना है हमारी कम्युनिटी में, और वो भी कैथलिक वालों ने ही स्टेप लिया है, ना कि बाकी जो कलीसियां हैं बहुत बड़े बड़े चर्चेस बन गए हैं, लेकिन टेक्निकली इदारे एजुकेशनल इदारे जो है ना वो हमारे जो बड़े लीडर साहबान है वो बिल्कुल नहीं बना रहे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, उन्होंने अपने स्पीच में एंड पे कहा कि हमने अपने ही हिस्से का दिया जला दिया, तो हर पत्रकार भाई से ये गुजारिश है कि वो जितना उनको आता है एटलीस्ट वो आगे अपने बच्चों को डिलीवर करें जिनको वो सिखा सकते हैं। तो अपने हिस्से का जब दिया जलाएंगे तो बहुत सारे दिए जलेंगे, ना कि एक दिया, दिए आहिस्ता आहिस्ता बुझते जाएं, आप पीछे मत देखें और आगे बढ़ते जाएं तो वो भी गलत है, आपने पीछे भी देखना है कि पीछे वाला जो दिया मैंने जलाया कि वो बुझ तो नहीं गया। तो कलाम भी यही कहता है कि हमें आगे आगे नहीं बढ़ना, हमने सबको साथ लेकर चलना होता है। आमीन। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उन बच्चों को जरूर देखें और इस चीज को मोटिवेट करें उनको कि बेटा आप लोग वर्शिप की तरफ आए और ये हमारा काम है। मैं जब अपने टीचर के पास जाता था फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने कहा बेटा ये तो करना ही आपने, ये तो आप लोगों का काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली सीख के इसमें कर दोगे ना तो खुदा नाराज नहीं होगा, वर्शिप अच्छी हो जाएगी, उसके जलाल के लिए बजाओगे और अच्छा हो जाएगा, ना कि आप खड़े वहां पे मुंह देखते रहे। तो हम आखिरी दुआ करेंगे सिर्फ इस मकसद के लिए कि जितने बच्चे जो हैं सीखने वाले हैं वो सीखें और खुदा उनमें आगे बढ़े। लश्करों के खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, आज की घड़ी के लिए जो तुमने मेरी जिंदगी में बख्श दी थी, खुदा उनका तेरी खिदमत को लेकर आगे चलने वाले बने हैं, हमें और खुदा उनका हिकमत अकल दानाई देना, हमें और राह दिखाना ताकि हम तेरे कलाम को तेरे कलाम की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने में ले जाने वाले बन सके। खुदा उन तेरे बंदा के लिए पास्टर फखर के लिए खासतौर पर दुआ करता हूँ, खुदा उन इस कलाम के लिए जो उसने हम तक पहुंचाया हमारे लिए बाबरकत ठहरे, उसके उन अल्फाजों के लिए जो तुमने उसको दिए खुदा उन तेरा शुक्र करता हूँ, और इसकी फैमिली के लिए, इसके घराने के लिए, इसके चर्च के लिए जितनी टीम इनके साथ जुड़ी हुई है खुदा उन को बहुत सी बरकतों से मालामाल करना, और खुदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज हमें यहाँ आने का मौका बख्शा ताकि हम आए और अपने खुदा खुदा होठों का नजराना तुझ तक पहुंचा सके। मेरी छोटी सी दुआ को सुनना, कबूल फरमाना, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि अपने हिस्से का दिया, बात यह है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते जाते स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्होंने मैं अपनी गल करा कि मैं जो बिजली का काम करता था स्टडी छड़ी तो मैंने एक दिन एक बंदे ने गल की, उन्हें क्या अच्छा जानी साहब मोची का पुत्र मोची बन
मुझे बड़ी अजीब बात आ रही है। इसका मतलब है कि मेरा बाप बिजली का काम करता है तो मैंने भी बिजली का ही करना है। मैंने खुदा से कहा सही रास्ता दिखाने वाला तू, मैं आपसे ये नहीं कह रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को भेजो, क्योंकि मैं ये कहूंगा तो आपने सोच पता नहीं फीस का मुकाम बना, बल्कि तुम अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो म्यूजिक वाले पास लगाओ ताकि वो म्यूजिक सीख कर। मैं फरियादी आपके साथ हूं, हमारा चर्च आपके साथ है। अगर आपको संडे बच्चों को म्यूजिक सिखाने के लिए जगह की जरूरत है तो हमारा चर्च आपके लिए आता है। मैं भी अपना थोड़ा सा दिया हम भी जला देते हैं, मुझे म्यूजिक नहीं आता लेकिन मैं आपके लिए इतना एफर्ट शुरू करूंगा कि जो मेरे जानने वाले हैं उनसे बात करूंगा। इसी तरह अनिल मेरे साथ है, खुदावंद इसको भी बरकत दे। यकीन जाने आपकी बात बिल्कुल सही है, हर बंदा चाहता है कि वो अपने तालीम को अपनी जो सीख है उसको आगे बढ़ाए, जैसे आप हैं इसी तरह नील है, कासम है, समीर है या बाकी के लड़के भी हैं। मुझे काफी चीजें इनसे भी सीख रहे हो, बल्कि मैं यहाँ पर जो ये बीट लगाता हूँ जिन्होंने मैं अक्सर कहना ना दंदर दंदर, ये जितना भी सीखा है मैंने इसी से सीखा हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये कि अब हमारे लिए की बात थी तो हमारे लिए ये है कि हम हमारा चर्च जो है चर्च बिल्डिंग वो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि आप बच्चों को तालीम दें, जहां तक हो पाएगा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस तरफ लेके आए कि वो प्रस्तार कर असी अपने बच्चे को गाने वो आने वो बेहतर के प्रस्तार बनाए ताकि वो खुदा उनकी हम तो इस सारे अपने कदमों पे खड़े होंगे। लास्ट प्रेयर करा प्रेज सुस्ती हटेगी उठने ऐसा है पैर सुनते हुए उठे सुस्ती गई सारे सारे अपनी अखा बंद करेंगे और दुआ करेंगे भाई जिंदा कदूस खुदा और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कदे जिंदा पाक कलाम हमें आज जो सिखाता है खुदा खुदा हम खुद की नहीं बल्कि तेरी तरक्की करने वाले हैं, बल्कि तेरे कलाम की तरक्की जो कि बहुत सी रुझानों को बदलता है, तेरे कलाम को दूर दूर तक लेके जाने के काबिल है। मसीह खुदावंद हमें तुझसे वो बरकत चाहिए जो खुदावंद तू चाहता है कि हमारे पास हो। खुदा तेरी नेहमतों में से हमें वो नेहमत दे जो हमारी कलीसिया के लिए बाबरकत है। मसीह खुदा पूरी टीम को तेरे सामने रखता हूँ, खुदा पूरी टीम को बाबरकत कर, खुदा सब पर तेरा जलाल जाए। इसी तरह खुदावंद भाई फरियाद की सोच के लिए उनके प्लान के लिए कि खुदावंद तू ही है जो प्लान और सोचों को पूरा करने वाला, खुदावंद इनकी हर जायज ख्वाहिश को आज तेरे सामने रखता हूँ, खुदावंद कलीसिया की तमाम जायज ख्वाहिश को तेरे सामने रखता हूँ, खुद की जायज ख्वाहिश को तेरे सामने रखता हूँ। मसीह खुदावंद हमारी सोच के मुताबिक तो हमारी हर ख्वाहिश जायज है लेकिन खुदावंद जो तेरे मुताबिक ख्वाहिश जो हमारी कलीसिया के लिए कौम के लिए अच्छी हो खुदावंद ख्वाहिशों को पूरा कर। खुदावंद हम सब खुदा की सिखाई को हमेशा कहेंगे हमारे रोज की रोटी आज दे और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि भलाई से बचा क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा के लिए आमीन। खुदावा के रहमत पाकों का फजल पाकों की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात के साथ कुल ईमानदारों के साथ और ऐसी जगह पर कुरान जहां तेरे नाम की मुनादी हो हमेशा हमेशा रहे आमीन 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 आमीन।